हेलो व्यूअर्स, आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को एक्सप्लेन करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा वर्ड जो है ग्रीक वर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, आर्थ्रो मींस जॉइंटेड एंड पोडा मींस फुट और लेग्स, जॉइंटेड लेग्स। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन एनिमल्स को देखें तो इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं उसके जॉइंटेड फुट है, जॉइंटेड लेग्स है, इसलिए हम इस फाइलम को फाइलम आर्थ्रोपोडा का नाम देते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, आर्थ्रो एंड पोडा। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स और फुट। जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। पहले अगर हम देखें तो ये फाइलम जो है ये किंगडम एनिमेलिया का फाइलम है। दूसरी बात ये है कि ये इनवर्टिब्रेट्स है, इसमें कोई बैकबोन नहीं है, वर्टेब्रल कॉलम नहीं है, तो ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है। तीसरी बात ये है कि इनवर्टिब्रेट्स में ये मेटाजोन्स है, मेटाजोन्स मीन्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। फिर मेटाजोन्स में ये यूमेटाजोन्स है, यूमेटाजोन्स उसे कहते हैं जिसमें टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम इन एनिमल्स को देखें तो बाकायदा टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम्स इसमें प्रेजेंट है, फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर यूमेटाजोन्स में ये प्रोटोस्ट्रोम्स है, प्रोटोस्ट्रोम्स वो एनिमल्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान मौत की फॉर्मेशन पहले होती है और एनिस की फॉर्मेशन बाद में होती है। एक और बात ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो यानी गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है और उस थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो उस एनिमल्स, उन एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में बर्तर ये प्रोटोस्ट्रोम्स है, मींस मौत की फॉर्मेशन एनिस की फॉर्मेशन से पहले होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं कि इस फाइलम की जो एनिमल्स है उसमें कौन कौन सी करेक्टर्स जनरल होंगे, कौन कौन सी करेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। तो पहले साइमेट्री की बात करते हैं। अगर हम इसमें साइमेट्री देखें तो दे है बायलेटरल साइमेट्री, साइमेट्री इसमें बायलेटरल है। हम इस इन एनिमल्स को टू इक्वल हाफ्स में या मिरर इमेजेस में डिवाइड करते हैं थ्रू ओनली ए सिंगल प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक आर्थ्रोपोड है तो इसे हम इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। कोई दूसरा प्लेन, कोई दूसरा लाइन इसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि दे हैव बायलेटरल साइमेट्री, आर्थ्रोपोड्स हैव बायलेटरल साइमेट्री। अगर हम देखें तो ये इसमें हमारे पास सीलोम प्रेजेंट है, ये ट्रू सीलोमेट एनिमल्स है और इसकी सीलोम को हम कहते हैं होमोसील। होमोसील इसे क्यों कहते हैं? होमोसील इसकी सीलोम को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सीलोम में जो बॉडी फ्लूइड है उसे वो क्या है, वो है हीमोलिम, बिकॉज ऑफ हीमो इसकी बॉडी कैविटी में, आर्थ्रोपोड्स की बॉडी कैविटी में, आर्थ्रोपोड्स की सीलोम में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या है, वो है हीमोलिम। So, इस हीमोलिम की वजह से इसकी सीलोम को होमोसील कहते हैं। हैबिटेट की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का, सबसे बड़ा फाइलम है सारे एनिमल्स का। सबसे ज्यादा स्पीशीज इस फाइलम में प्रेजेंट है, कितने हैं? 1 बिलियन स्पीशीज है इस फाइलम में। दूसरे नंबर पर फाइलम मोलस्का है और पहले नंबर पर ये है। तो सबसे ज्यादा स्पीशीज है, सबसे ज्यादा वास्ट जो हैबिटेट है वो इस फाइलम के है। इसके ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक भी हैं, इसमें एक्वेटिक स्पीशीज भी है, टेरेस्ट्रियल प्लस एयरबोर्न, एयर लिविंग। इसमें
डिफरेंट हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इस फाइलम के एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। टेरेस्ट्रियल में फिर हमारे पास इस प्लेन एरिया पे भी प्रेजेंट है, हिली एरिया पे भी, डेजर्ट पे भी, और कुछ ऐसे हैं जो प्लाइंग इंसेक्ट्स है वो भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं, अगर हम देखें इसकी बॉडी को तो दे है वेरिएबल बॉडी, वेरिएबल बॉडी शेप, वेरिएबल बॉडी शेप है इसकी। अगर हम देखें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी एनिमल्स है दे है वेरिएबल बॉडी शेप, कुछ इसमें वॉर्म्स लाइक है, कुछ ओवॉइड ऑर्गेनिजम्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटीपीड या मिलीपीड को देखें तो उसकी बॉडी वॉर्म लाइक है। सेगमेंटेशन की तरफ आते हैं तो जिस तरह हमने फाइलम एनिलिडा में बात की थी कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी सेगमेंटेशन बॉडी में प्रेजेंट है और हर सेगमेंट पे बॉडी से यहाँ देखिए ये इसमें सेगमेंटेशन है और हर सेगमेंट से ऐसे अपेंडिजेस अराइज हुए हैं और वो अपेंडिजेस यूज होते हैं फॉर लोकोमोशन। ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ अपेंडिजेस व्हिच आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन। अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो इसमें थ्री मेन रीजन्स है बॉडी की। ये देखें, ये इसका हेड रीजन है, ये टॉरिक्स है और ये सारा एब्डोमेन है। तो बॉडी की थ्री मेन पार्ट्स है, हेड रीजन, टॉरिक्स एंड एब्डोमेन। लोकोमोशन की तरफ आते हैं तो दीज आर ऑल मोटाइल, सारी स्पीशीज इसकी मोटाइल है। और लोकोमोशन के लिए ये तो या विंग्स यूज करते हैं या पेरापोडिया यूज करते हैं। और कौन सा टाइप का आप लोकोमोशन करते हैं? क्रॉलिंग, फ्लाइंग वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं तो इसमें कार्निवोर स्पीशीज भी है, हर्बिवोरस, ओमनिवोरस और कुछ स्पीशीज ऐसी भी है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। सो कार्निवोर स्पीशीज, हर्बिवोर स्पीशीज, ओमनिवोर स्पीशीज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इस फाइलम में प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं तो दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, वेल डेवलप्ड एंड कॉम्प्लीट। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है और कॉम्प्लीट है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। सी डायग्राम देखें, ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका प्री ओरल कैविटी है, यानी माउथ का रीजन है। इसके बिल्कुल अटैच ये सेलिवरी ग्लैंड्स है जो सेलिवा सीक्रेट करते हैं। उस सेलिवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। फिर माउथ से नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे पेरिंग्स है, ये देखें ये पेरिंग्स का रीजन है। पेरिंग्स से नीचे फिर ओसोफेगस आता है, उसके बाद क्रॉप आता है, ओसोफेगस के बाद क्रॉप है। सो फूड जो है यहाँ पे फूड पार्टिकल्स ऐसे एंटर होता है, क्रॉप में आता है। ये क्रॉप क्या करता है? यूज्ड फॉर फूड स्टोरेज। इस क्रॉप में फूड स्टोर होता है, उसके साथ जो सेलिवरी एंजाइम्स है और अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो मिक्स होते हैं। फूड थोड़ा सॉफ्टन होता है, फिर ये क्रॉप फूड को पास करता है इस गिजर्ड में। गिजर्ड वो रीजन है इसके डाइजेस्टिव ट्रैक का जहां पे मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होती है। इस गिजर्ड में मैकेनिकली और केमिकली फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होते हैं, फिर वो पार्शियली फूड पार्टिकल्स वो यहाँ इस इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं। ये इसका इंटेस्टाइन है,
पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं। इंटेस्टाइन में यहाँ पे हेपेटिक चीका है जो फर्दर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होके उसकी फर्दर डाइजेशन करता है और यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट इस होमोसील में, ये इसका फॉर एग्जांपल ये है होमोसील। जो होमोसील क्या है, इसका बॉडी कैविटी है, इसका सीलोम है। सो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन और जो वेस्ट पार्टिकल्स है ये सारा इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे इस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन होती है बाहर की तरफ इस होमोसील में और जो वेस्ट है, ये फॉर एग्जांपल वो वेस्ट मटेरियल्स है, वो आते हैं यहाँ पे सीकम में, रेक्टम में, और रेक्टम से फिर पास होके थ्रू एनस जाता है बाहर की तरफ, उसकी एक्सक्रीशन होती है, इजेशन होती है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो आर्थ्रोपोड्स हैव अ वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ इज यूज्ड फॉर इंजेशन ऑफ फूड, फॉर इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स, फॉर इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स, व्हाइल एनस इज यूज्ड फॉर द इजेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, पेरिंग्स हैं, माउथ है, पेरिंग्स है, ऑसोफेगस है, क्रॉप है, गिजर्ड है। गिजर्ड इसका एक्ट एज ए स्टोमक, जिस तरह हमारा स्टोमक है वहां पे केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होती है हमारे स्टोमक में, इसी तरह आर्थ्रोपोड्स के गिजर्ड में केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों होती है। फिर गिजर्ड फूड पास करता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन की रीजन पे इसकी हेपेटिक सीका है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके फूड पार्टिकल्स की फर्दर डाइजेशन करती है। डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सिंपली डिफ्यूज होते हैं थ्रू होमोसील, होमोसील इसे एब्जॉर्ब करता है, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है, जो वेस्ट है, वो आता है रेक्टम की तरफ और रेक्टम से फिर पास होता है थ्रू एनस और बाहर की तरफ आता है। सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमने बात की कि एनिमल्स हैं, इनवर्टेब्रेट्स हैं, मल्टीसेलुलर है, प्रोटोस्ट्रोम्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर हमने सीलोम की बात की, साइमेट्री की बात की, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, सेगमेंटेशन, बॉडी पार्ट्स की बात की, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, और लास्ट में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसी तरह जो और नेसेसरी सिस्टम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।